हेलो पीपल, आज हम बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन असली है या नकली, इन पांच तरीकों से पता लगाएं। लेकिन उससे पहले मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए वे प्रोटीन पाउडर ऐसा सप्लीमेंट है जिसे सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। वर्कआउट के बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ लेने से ये तुरंत मसल्स रिकवरी शुरू कर देता है, साथ ही जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। वे प्रोटीन वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। इसके अलावा भी वे प्रोटीन के कई फायदे हैं, जैसे पचने में आसान, प्रोटीन का कम्प्लीट सोर्स, फास्ट मसल्स रिकवरी में हेल्पफुल, शेक में मिक्स करके पी सकते हैं, कैरी करने में आसान। बाजार में कई ब्रांड के बेस्ट और किफायती वे प्रोटीन मिलते हैं, ऐसे में कई बार लोग बेस्ट वे प्रोटीन सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे अधिक डुप्लीकेसी वे प्रोटीन की ही है। मार्केट में तमाम फर्जी प्रोटीन पाउडर समय समय पर पकड़े जाते हैं। ऐसे सप्लीमेंट के सेवन से सेहत को भी गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप पता लगा पाएंगे कि वे प्रोटीन असली है या नकली। नंबर एक, लाइसेंस और लोगो। किसी भी देश में कोई तब तक प्रोडक्ट को इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक इसके लिए लाइसेंस न लिया गया हो। अगर आप कोई सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो उसके बॉक्स पर डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस नंबर जरूर होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में कम ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सप्लीमेंट बेचने का लाइसेंस है। लाइसेंस के तौर पर वे एक स्टिकर लगाते हैं, इसमें सप्लीमेंट बनाने की तारीख, इंपोर्ट डेट, प्राइस आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है। इसलिए आप ऐसा सप्लीमेंट न खरीदें जिस पर स्टिकर न लगा हो और ऑथराइज डीलर की डिटेल होलोग्राम के साथ न हो। इसके लिए ऑथराइज सप्लीमेंट डीलर्स की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। नंबर दो, सप्लीमेंट की पैकेजिंग। सप्लीमेंट खोले बिना पैकेजिंग देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि वे प्रोटीन असली है या नकली। आपने ध्यान भी दिया होगा कि बॉक्स की सील हमेशा टाइट, क्लीन और पैक रहती है। बॉक्स में हवा जाने से रोकने के लिए सील टाइट रहती है। सील टाइट न होने से प्रोटीन पाउडर में मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन यदि कोई सप्लीमेंट पैक है तो सील पर ध्यान नहीं देते, साथ ही उसका बॉक्स भी खराब प्लास्टिक से बना होता है और स्टिकर की क्वालिटी भी सही नहीं रहती है। नंबर तीन, मिक्सेबिलिटी। वे प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है। यदि आपने ऑथराइज डीलर के यहाँ से वे प्रोटीन लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वे प्रोटीन महज 30-45 सेकंड में ही पानी में घुल जाता है। लेकिन यदि आपका वे प्रोटीन फेक है तो ये पानी में सही से मिक्स नहीं होगा, पानी डालते ही उसमें गांठ बन जाएंगी। इसके अलावा यदि वे पाउडर से अजीब सी महक आती है और मिक्स नहीं होता तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट नकली है। नंबर चार, ब्लोटिंग। वे प्रोटीन पीने के बाद अक्सर लोग ब्लोटिंग महसूस करते हैं। ऐसा अधिकतर तब होता है जब आपका वे प्रोटीन फेक हो, क्योंकि ओरिजिनल वे प्रोटीन को विभिन्न मापदंडों से गुजारा जाता है जिस कारण ब्लोटिंग की समस्या न के बराबर होती है। अगर हर बार वे प्रोटीन पीने पर पेट फूल रहा है और ब्लोटिंग हो रही है तो वे प्रोटीन फेक हो सकता है। नंबर पाँच, बारकोड QR कोड टेस्ट। आजकल हर चीज पर बारकोड या QR कोड प्रिंट रहता है। सिर्फ पैकेट और डीलर का नाम देखकर बारकोड QR कोड से सप्लीमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सप्लीमेंट ओरिजिनल होगा तो वो बारकोड QR कोड आपको सही प्रोडक्ट के लिंक तक ले जाएगा, लेकिन अगर फेक होगा तो वो कोड इनवैलिड आएगा या किसी दूसरे प्रोडक्ट तक रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बारकोड QR कोड स्कैन करना न भूलें। नकली प्रोडक्ट पर प्राइस का भी नकली टैग लगा होता है, इस पर भी ध्यान दें। इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू, स्पेलिंग, लोगो आदि देखकर भी फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से पहचान बदलती रहती है। हमेशा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान से ही सप्लीमेंट खरीदें। अभी भी मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।